आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। नगर निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है, रुझान आने लगे हैं जिसमें बीजेपी काफी आगे है। राज्य में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं। बीजेपी 17 में से नगर निगम में झांसी में जीत कर चुकी है। सहारनपुर में भी नगर निगम मेयर पद पर बीजेपी के प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। वही अब 17 नगर निगम में आगे चल रही है बीजेपी। वही विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ था जिसके नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। जिसमें बात करें तो स्वार विधानसभा सीट पर इस बार स्वार में इतिहास बदल चुका है। 27 साल बाद स्वार में बीजेपी और अपना दल के गठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई है। तो कुल हर जगह भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए और रुझान आते जा रहे हैं। धीरे धीरे हर जगह की तस्वीर साफ होती जा रही है। और इसी बीच हम अपने तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद इखलाक हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र त्रिपाठी जी। इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सर, आपकी लगातार बढ़त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी 17 मेयर सीटों में से 17 मेयर सीटों पर ही आगे चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए हमारे कार्यों पर जनता की मुहर है। हमारी प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारे कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जिस तरह से हमने अपने पूर्ववर्ती नगर निगम के कार्यकाल में जनता को स्वच्छ शासन प्रशासन दिया है, उन कार्यों पे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था के मोर्चे पे जनता जनार्दन की मुहर है। ये हमारे लिए सुखद है और हम इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। इखलाक जी, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपनी बढ़त की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक टिप्पणी चाहेंगे आपका? देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता और हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग मोहब्बत बांटने की राजनीति कर रहे थे। लगातार हम लोग ने जनता हो या तमाम लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम किया। और जो हमारे देश और प्रदेश में नफरत की राजनीति फैली हुई है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, वही हम लोग ने आगे भी कर रहे हैं। देखिए, ये परिणाम है और जनता ने जो डिसीज़न लिया है समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है, मगर एक हिसाब से जो नफरत हमारे प्रदेश और देश के अंदर फैली हुई थी उसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बहुत हद तक कम करने का काम किया है। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जीत बढ़त है, हर जगह देखने को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है कई जगहों पे, मगर जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो नफरत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश और देश में फैलाई थी, समाजवादी पार्टी ने बहुत हद तक उसको कम करने का काम किया है। और लगातार इसी मोहब्बत बांटने की जो राजनीति है, आपसी भाईचारे की राजनीति है, जनता और प्रदेश और देश का विकास कैसे उसकी राजनीति है, उसी राजनीति पर समाजवादी विचारधारा के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता आगे बढ़ते रहे। राजनीतिक विशेषज्ञ गजेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं। गजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें और नगर निकाय चुनाव के में जिस तरीके से भाजपा लगातार आगे बढ़त कर रही है, तो क्या चुनावी समीकरण सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, लोकसभा का चुनाव और ये निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव जी, इनमें बड़ा अंतर होता है, लेकिन चुनाव चुनाव होता है जी। और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को, यह जनादेश निश्चित तौर से इनके लिए एक खुशी की खबर है। और लोकसभा का चुनाव जब भी होगा तो इनका मनोबल बढ़ा रहेगा, और जब मनोबल बढ़ा रहता है तो कार्यकर्ता धरातल पे कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं लोग और उसी का ये परिणाम है जो यहाँ देखने को मिल रहा है।
क्योंकि चुनाव बूथ से जीते जाते हैं, बूथ से हारे जाते हैं। तो जिनके पास बूथ का स्ट्रक्चर है वही चुनाव जीतेंगे और वही चुनाव हारेंगे। तो बूथ जिसके पास है वो जीतेगा निश्चित तौर से। बूथ पे इनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगे रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी के पास में बूथ के कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब यहाँ पे समीकरण की बात होती है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ने का प्रयास किया है और जो कम्बिनेशन है उनके साथ वह कम्बिनेशन मुस्लिम एससी एससी का एक बेहतर कम्बिनेशन है। ओबीसी की कुछ जातियां उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। अपर कास्ट में ब्राह्मण वोटर आज भी उनके पास है, बूथ पे उनके लोग उनके पास हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जितनी तेजी के साथ ऊपर आएगी, सपा उतनी तेजी के साथ नीचे जाएगी, यह भविष्य में भी देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भी यही समीकरण आपको देखने को मिलेगा यदि ऐसा होता है जो आज है। अगर बहुजन समाज पार्टी का संगठन आज से अपनी तैयारी कर दिया बेहतर तरीके से तो सपा की स्थिति बहुत खराब रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों कि सपा का जो वोट है, मूल वोट कह लीजिए, वो यादव है, मुस्लिम है। तो मुस्लिम वोटों का जो रुझान है या जो लोग हैं वह अब बीएसपी के तरफ अपना रुझान वो कर चुके हैं लगभग और वो देख रहे हैं कि परिणाम में तब्दील हो रहा है। तो इसलिए सपा के लिए तो यह बहुत अच्छी साइन नहीं है। एक चीज और है कि देखिए, समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है आप देख रही होंगी कि धरातल पे ये लोग थे ही नहीं। लेकिन गजेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने प्रचार प्रसार तो किया था। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अखिलेश यादव अकेले उतरते हैं, समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा स्ट्रक्चर है। वह कहां है, वह कहीं दिखा है आपको चुनाव में? वो जो बड़े नेता हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी पदाधिकारी हैं उनका आपने कोई कहीं पे धरातल पे देखा है? इस बार तो अखिलेश यादव एक बड़े चेहरे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो आप सीन देख रही हैं, जो ये जो सीटें देख रही हैं, ये शिवपाल जी की वजह से ही मिली है। शिवपाल जी को हटा करके देखे क्या स्थिति बनती। तो विषय यही है कि स्ट्रक्चर होते हुए भी, आपके पास बूथ पे लोग होते हुए भी, बूथ पे आपके लोगों के पास जाने के तरीके होते हुए भी, तमाम तरह के सोशल मीडिया और साधन हैं हमारे पास, समाजवादी पार्टी का ये हश्र क्यों हुआ है यह सिर्फ समझने की बात इतना है। आप समझिए कि इनका मूल वोटर भी इनके पास से अब धीरे धीरे खिसक रहा है और उसके बाद ये स्थिति आपको देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव का एक बार टिप्पणी ले लेते हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जितनी बार अब लगातार वो अपने वोटर्स खो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है वहीं समाजवादी पार्टी लगातार नीचे उतरती जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे मोहम्मद इखलाक जी? देखिए, पहले बात मैं करूंगा बहुजन समाज पार्टी की, तो साफ दिख रहा था किसके कहने पे और किस तरीके से टिकट बांटे गए और काम किए गए। देखिए, उनकी पार्टी का विषय वो किसी की बी टीम बन के काम करें या ए टीम करके काम करें वो जाने। बात हो रही थी देखिए समाजवादी पार्टी की, तो जो बात जनेश्वर मिश्र जी ने सिखाई थी, जो बात लोहिया जी ने सिखाई थी नेताजी को, नेताजी ने हम सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को सिखाई है कि समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं वो कभी हारते नहीं हैं, या जीतते हैं या सीखते हैं। तो हमने सीखा है, जो ये आज रिजल्ट है हमारे सामने इससे हम सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने सीखा है। और मैं गजेंद्र जी की बात भी सुन रहा था, बहुत जगह सही बात ये कह रहे थे कि देखिए समाजवादी पार्टी को बेहतर सीखना होगा और कहाँ कमी रह गई। आदरणीय अखिलेश यादव साहब चुनाव प्रचार में थे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब थे और समाजवादी पार्टी के देखिए वरिष्ठ नेता भी प्रचार में थे और कार्यकर्ता भी थे। देखिए चुनाव ये है, नगर निकाय का चुनाव जो होता है इसमें एक को खुश करेंगे और चार आपसे नाराज होंगे। तो ये चुनाव देखिए ऐसा है और आने वाला लोकसभा चुनाव है, तो हम देखेंगे हमसे कहाँ कमी रह गई है और उस कमी को हम पूरा करेंगे। और आने वाला कल जो है वो समाजवादियों का ही होगा, जिस तरीके से 2017 में आप देखिए। मोहम्मद इखलाक जी, क्या आप मानते हैं कि कमी रह गई है?
नहीं देखिए, मैं जिस तरीके से मैं कह रहा था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, 2014 में देश में आई, तब से हमारे देश में नफरत की राजनीति कितनी चरम सीमा पे थी। 2022 में हमने उसको कम किया, नगर निकाय चुनाव में हमने उसको कम किया, और लोकसभा चुनाव में हम उसको पूरी तरीके से, जो नफरत की राजनीति है उसको खत्म करेंगे, और उत्तर प्रदेश और देश में मोहब्बत की राजनीति, जो आपसी भाईचारे की राजनीति है, उसको कायम करेंगे। लेकिन जी, लगातार बीजेपी अपनी बढ़त की तरफ बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, बीजेपी बढ़ रही, बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। जनता ने ही वोट दिया है, तो देखिए जनता ने अगर वोट दिया है तो देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, पहली बात तो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दूसरी बात चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां के प्रशासन से, पुलिस वालों से, जो वहां पे अधिकारी थे उनसे। तो समाजवादी पार्टी, देखिए मैं कहूंगा, जितने लोगों ने भी चुनाव लड़ा, बेहतर लड़ा, जो जीते उनको आभार धन्यवाद, और जो नहीं जीत पाए हैं उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बेहतर चुनाव लड़ा। बिल्कुल बोलिए जी। मुद्दे तो आपने भी उठाए थे, बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन आप लोग पीछे क्यों रह गए? देखिए लगातार मुद्दे उठाए हैं और उठाते रहेंगे जी। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था और इसी टीवी पे कहा था कि जब सवाल उठ रहा था आदरणीय अखिलेश यादव साहब पीसी क्यों कर रहे हैं, तो अगर भाई समाजवादियों ने काम किए हैं तो पीसी तो करेंगे, वहां जाके पीसी करेंगे, लोगों के बीच जाके पीसी करेंगे, समझाएंगे। और जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे थे नगर निगम के, नगर निकाय के, तमाम नगर पालिका के, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उठाए हैं, और उन मुद्दों को आगे और उठाएंगे। ठीक है, जनता ने हमें जितनी भी सीटें दी हैं, जितने भी लोग हमारे जीते हैं, हम उनके साथ, और जितने लोग लड़े थे, हम फिर से समाजवादी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर जनता के पास जाएंगे। तो समाजवादी उनसे बात पार्टी बात है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है, अब बीजेपी की तरफ रुख कर लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या लगता है स्टार प्रचारकों का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों का नतीजा है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है? जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, काम का, सबका समृद्ध प्रयास है। जितने प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकायों में बढ़ रही है, ये किसी एक धड़े का काम नहीं है, ये समृद्ध प्रयास का परिणाम है। समृद्ध प्रयास का कह लीजिए सुखद परिणाम है। हमारे जो मित्र नफरत की राजनीति बार बार लगाए हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो ये कौन सी मोहब्बत की राजनीति कर रहे थे? मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए, शरणार्थी शिविरों में मुसलमानों के 60 बच्चे मर गए, तब जब अखिलेश यादव जी सैफई के ऐसे कैंपों में आलिया भट्ट का डांस देख रहे थे, वो मोहब्बत कर रहे थे या नफरत फैला रहे थे? इसका जवाब आपके माध्यम से मिल जाए। बहराइच में मुस्लिम प्रधान की विधायक ने जूते से पिटाई की, वो मोहब्बत फैला रहे थे समाजवादी पार्टी के विधायक या नफरत फैला रहे थे? इसी तरह से इन्हीं के शासन काल में जियाउल हक एक सीओ थे, कुंडा में उनकी हत्या हो गई, और उनके हत्यारे को, मुख्य अभियुक्त को समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया 2019 में। ये मोहब्बत फैलाने की बात है या नफरत फैलाने की बात है? ये मोहब्बत और नफरत क्या है, इससे जरा इनके आपके माध्यम से इनसे आपके दर्शक इस विषय को जानना चाहेंगे कि बार बार मोहब्बत की बात करने वाले ये नफरत की बात करने वाले कर क्या रहे थे, इरा लोग जान जाए। हमने तो सिर्फ काम किया, हमने ना मोहब्बत की न नफरत फैलाई, हमने काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टिकरण किसी का नहीं जी। हमारे बीच सुभाषपा से दयाराम भार्गव हमारे बीच जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कहां पर देख रहे हैं सुभाषपा को आप, नतीजे आ चुके हैं? देखिए, भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के शहर के निकाय चुनाव में गए, हम जनता जनार्दन को, मतदाताओं को बताने का काम किया कि जो निगमों में भ्रष्टाचार है या नगर पंचायत में है जी, या आपके नगर पालिका में, उस भ्रष्टाचार को अगर जनता निजात चाहती है तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी को लाए और
से जो भ्रष्टाचारियों से मुक्त होने का काम करे। हो सकता है जनता को हमने समझाने का काम किया, हमारी बात तो जो है जनता तक नहीं पहुंच पाई। कैसे और जनता जनार्दन जो भी हमें माइनर दे रहा है उसको स्वीकार करे। अब चलते समाजवादी पार्टी की तरफ। मोहम्मद इखलाक जी, रामपुर विधानसभा सीट में स्वार विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी हार चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी सुन रहा था अपने भाई जी विवेक श्रीवास्तव जी का, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता और सबके ऊपर चुनाव लड़ती है। तो अभी कुछ दिन पहले जो आप देख रहे थे तो चुनाव तो केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। तो ये लोग ऐसी बातें ना करें। वहाँ भी सवाल उठे थे कि जो सभासद के प्रत्याशी, जो मेयर के प्रत्याशी, जो नगर निगम के प्रत्याशी, उन पे चुनाव लड़िए। अब बात आई, इन्होंने कहा मुजफ्फरनगर दंगा, तो साहब गुजरात दंगा भी आपको याद होगा, कौन सीएम था उस पर भी बात कर लीजिए, और बलात्कारियों को आपकी पार्टी ने मंच पर बैठा के माला पहना उस पर भी याद रख लीजिए। और आपने बात करी नफरत और मोहब्बत की राजनीति, तो गौरक्षा के नाम पे कितने मुसलमानों को मारा गया वो भी आप जानते हैं, सब्जी बेचने वाले कितने मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, सब्जी निकली थी वो भी जानते हैं। देखिए राजनीति ये नहीं, राजनीति सभी धर्म सभी जात को लेके होती है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं वो मोहब्बत की राजनीति यही है कि सभी धर्म, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको ले जाने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पुराने बयान इतने हैं, मैं मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव जी सुन लेंगे तो जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा तो उस पर खुद शर्म आ जाएगी उनको। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में झांक के देखना चाहिए। आप सबके लिए काम करिए, आज जीते हैं मैं आपको बधाई देता हूँ, मगर इस तरीके से जो आप कहते हैं कि मोहब्बत और नफरत की राजनीति, वो आप भी बेहतर अच्छी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। आगे चलते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ गजेंद्र त्रिपाठी सर है। सर, जानना चाहेंगे इस बार निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी नजर आए हैं, क्या कुछ आपकी टिप्पणी रहेगी इस पर? क्या स्थानीय मुद्दे राष्ट्र से ऊपर है? नहीं ना, बिल्कुल राष्ट्र ही सर्वोपरि है। और राष्ट्रीय मुद्दे धरातल पर अगर दिखने लगेंगे, जनमानस अगर इस चीज को समझने लगेगा, तो इसका कहीं न कहीं आपको परिणाम ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और अभी मुद्दा आया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको एक बार पुनः इस चीज को जानकारी दे दूं कि कोई भी मुद्दा रहा हो, समाज का कोई भी मुद्दा रहा हो, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव उस मुद्दे को लेकर के सड़क पे उतरे हैं, सड़क पे बैठे हैं, लाठियां चार्ज हुई हैं, लाठी खाए हैं, तब समाजवादी पार्टी सरकार में आती थी। घर में बैठे रहोगे, एसी से बाहर निकलना पड़ेगा रोज, क्योंकि लड़ किससे रहे हो? लड़ उससे रहे हो आज के डेट में। अभी अभी तो ये गणना जो हो रही है, इसका शाम को जब रिजल्ट आएगा आपके सामने पूरा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जमीन है ही नहीं है, इसलिए कि आप वोट के परसेंटेज में कहां पे खड़े मिलोगे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा बी टीम है, सी टीम है, जब भी ओबीसी आएंगे वो बी टीम है, बहन जी आएंगी बी टीम। अरे बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, कई बार रही है, वो बी टीम सी टीम ए नहीं है, वो ए टीम है। समय है, काल है, खंड है, चीजें अपने आप बदलती हैं। जनमानस देख रहा है कि आज के डेट में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वह जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज में एक आकर्षण है, तो उसका लाभ तो मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है, इनको अभी इस बात को समझना पड़ेगा कि वो केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा मत मान ले आप उसको, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व का चेहरा है वो, उस रूप में वोट मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव जी के रूप में। अखिलेश यादव जी बहुत ही है, कोई अनाप शनाप कभी भी बयान उनके जुबान से सुनने को नहीं मिलता है, रेयर कभी कोई बात हो गई तो हो गई, नहीं तो उनके नाम पर, उनके काम पर। अगर उत्तर प्रदेश की बात हो जाए इसी लखनऊ शहर के अंदर, तो निश्चित तौर से जो काम समाजवादी पार्टी ने किया वो काम कोई नहीं किया। लेकिन अभी पीसी हुई थी यहां,
और पीसी का रिजल्ट सामने है, लखनऊ मेयर की सीट जा रही, खत्म हो गई। अब आप ऐसे समझे आपके आपके पीसी का क्या पड़ा। हकीकत यह है कि आप अपनी चीज को जनमानस तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि आप चुनाव आता है तो दो चार दिन पांच दिन पहले आप एक्टिव हो जाते हो। अरे आपको लड़ना पड़ेगा धरातल पर, मुलायम सिंह यादव जैसा आपको लड़ना पड़ेगा, शिवपाल जी जैसा आपको लड़ना पड़ेगा, लोहिया की विचारधारा को धरातल पे जन जन तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अब लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। बीजेपी अगली लड़ाई 50 प्लस पे लड़ेगी, अब ये आप मान के चले 50% से ज्यादा वोट की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। इतना आसान वो किसी के लिए छोड़ने वाली नहीं है। और उनका स्ट्रक्चर आज के डेट में कंप्लीट हो चुका है, गांव गांव तक, जन जन तक, बूथ बूथ पर, एक एक जगह पर, हर जगह पर वहां है। बहुत सारी जगह है जहां आप अभी नहीं हो, वहां आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कह दूं मैडम, एक लेके बोलिए सर, जो जातीय समीकरण है ना, वहां अब सपा पिछड़ रही है और इन्होंने जाति समीकरण को बांध दिया है। इस मुट्ठी को खोलना होगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ये क्षमता है कि इस गांठ को खोल पाए। विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ चलते हैं। श्रीवास्तव जी क्या मान रहे हैं, मोदी लहर है या योगी लहर है? देखिए ये स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं जी, इसमें मैं कुछ ही लहर जैसी कोई बात नहीं करूंगा। मोदी जी का चेहरा विश्वसनीयता का प्रतीक है, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। योगी जी की लोकप्रियता प्रदेश ही नहीं भारत के अन्य प्रांतों में भी बढ़ती जा रही है, ये भी सत्य है। ये जो जीत हमें आज मिल रही है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं की, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कायम की गई कानून व्यवस्था की, और हमारे संगठन के ऐसे कार्यकर्ता जो दूर बूथों पे लगातार अपना काम निर्बाध गति से किए जा रहे हैं, सबके सम्मिलित प्रयास का ये सुखद परिणाम है जो आज हम आप देख पा रहे हैं। और सबसे बढ़कर के ये जीत उत्तर प्रदेश की नगरीय निकाय की और जनता की जीत है, जिसने हमें अपना आशीर्वाद दिया और हमें अपनी सेवा का अवसर दिया। हम नगरीय निकाय क्षेत्र की और जनता का हृदय से अभिनंदन करते हैं जिन्होंने हमें लगातार नगरीय क्षेत्र में अपनी सेवा का अवसर दिया, और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड समर्थन और आशीर्वाद दिया है ताकि हम निर्बाध गति से नगरीय क्षेत्र में जनता की सेवा कर सके। ये उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र की जनता की जीत है। जी ठीक है, चलते हैं शुभासपा की तरफ, क्या कुछ आगे की रणनीति है दयाराम जी? के बीच में आप देखेंगे जी 2022 के चुनाव के बाद सभी पार्टियां जो है मंथन कर रही थी, स्वयं भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा के माध्यम से 75 जिलों में जाने का काम किया। उसके बाद फिर हमारा जो है महिला हक अधिकार रैली हमने 18 मंडलों में से 5 मंडलों में करने का काम किया। बिल्कुल, स्वयं भारतीय समाज पार्टी अनवरत जनता के बीच में रहती है, मतदाताओं के बीच में रहती है, उस गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान वंचित समाज के हक अधिकार को उठाने का काम करती है। हमारी पार्टी जितनी बड़ी है हम उससे कहीं ज्यादा काम करने का काम जनता और मतदाताओं के हकों के अधिकार उठाने का काम करते हैं। लेकिन पार्टियां चुनाव में बीजेपी की बात कह रही थी जी, सुभाषपा निकाय चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज कराने की बात कह रही थी सर। नहीं मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी देखिए चुनाव अभी आपकी वोटिंग गणना चल रहा है ना, जी बिल्कुल, जब तक लास्ट रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया ना, लास्ट तक जब तक चुनाव आयोग का मतगणना नहीं हो जाता तब तक मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, इसलिए कि हमारे प्रत्याशी अभी भी डटे हुए हैं। कुछ ऐसे सीटें हैं जिसमें ऊपर नीचे का मामला चल रहा है, हमारे सभासद निकल के आ रहे हैं, पार्षद निकल के आ रहे हैं,
हम जो चेयरमैन ही लड़ रहे हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे हैं, हम जो है मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, तो तमाम ऐसे हैं, हो सकता है कि मतदाताओं में जो हमने बातें रखी हो, हमारी बातों को ना वहां तक पहुंचा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय समाज पार्टी उस वंचित अंतिम पायदान की बात करती है। आगे की क्या कुछ रणनीति है सर, इस पे बात कर रहे थे हम। इसके बाद भी देखिए आप, चुनाव जाने के बाद हम तुरंत जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, हम बताने का काम करेंगे प्रदेश में सरकार कैसी चल रही है, और प्रदेश में जो शिक्षा है, रोजगार है, महंगाई है या बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में रहते हैं। हम जातिवार जनगणना की बात पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हम पहले भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमारे मुद्दे जज के तस है, ठीक है, जनता तक हो सकता है कि हमारे मुद्दे ना पहुंच रहे हो, लेकिन जिस दिन जनता के मुद्दे और उनके मन में घर कर गया, तो यही जनता पलटने का काम करेगी। जी, आगे चलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। जी बताइए गजेंद्र जी। देखिए सुभाषका ने जो बात कहा, ओम प्रकाश राजभर जी निश्चित तौर से धरातल के नेता हैं, धरातल पे लड़ने वाले व्यक्ति हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। संशय कहाँ होता है, इसे उन्होंने कहा तो उनके पास अगर देखा जाए तो इस पूरे जनमानस का जो अपर कास्ट है, हिंदू अपर कास्ट, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं सवर्ण के रूप, सवर्ण वोटर उनके पास, सवर्ण बूथ में उनके पास क्या स्थिति है। इसलिए धरातल पे लड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी के पास सवर्ण वोटर नहीं है, ओबीसी का बड़ा वोटर वर्ग उनके साथ नहीं है, एससी के बड़े वोटर उनके साथ नहीं है, एसटी के लोग उनके साथ आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, मुस्लिम वर्ग के लोग भी उनके साथ आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बूथ पे, हर बूथ को जीतने के बाद ही आप कोई सीट जीत पाते हो, तो हर बूथ को जीतने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है, जो अभी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के पास है, जैसे कि बीजेपी के पास है, बहुजन समाज पार्टी भी इसमें पिछड़ चुकी है और कांग्रेस तो विलुप्त हो गई है। तो स्थितियां संभालने के लिए निश्चित तौर से ओम प्रकाश राजभर जी का एक एक चेहरा है, और वह चेहरा काम करेगा, आज नहीं तो कल जनमानस को यह बात समझ में आएगा। लेकिन लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, और लड़ना भी किनसे है ये भी सोचना पड़ेगा। एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से आपकी लड़ाई है, जहां आप कहीं स्टैंड नहीं करते, तो इसके साथ निश्चित तौर से एक एक सामंजस्य जब तक नहीं बनेगा अन्य दलों के साथ, भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान उत्तर प्रदेश में अब रह नहीं गया। दयाराम जी, आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। अभी गजेंद्र त्रिपाठी जी ने जो कहा कि बूथ स्ट्रक्चर की जरूरत है आपको। नहीं, बिल्कुल वो बात सही है, हम उनकी बातों से सहमत है। देखिए पार्टी ने जिस तरह स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल से निकल करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम गाजियाबाद का मेयर चुनाव लड़ा रहे हैं, आज गणना हो रही है, हम मेरठ में मेयर लड़ा रहे हैं, अब नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका लड़ा, हम दादरे लड़ा रहे हैं, तो ऐसे तमाम हम मैनपुरी लड़ रहे, ऐसे तमाम निगमों में और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, सभासदों में पार्षदों को हम लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमने कहा ना, हमारे मुद्दे जो है वो जनता के मुद्दे हैं। 71 साल की आजादी में किसी ने इन मुद्दों को उठाने का काम नहीं किया है, लेकिन स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता रही ओम प्रकाश राठौर उन हर उठाने का काम किया, जिसको ये राजनीतिक लोग जो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते। और इन्होंने एक आईना दिखाया उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हमारे मुद्दे है, हम आपको जिता करके सदन में भेजते हैं, आप हमारे मुद्दे तो कुछ छूने पसंद नहीं करते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर सदन में हो, सड़क में हो, या कहीं भी आप देख लो, जो बातें सदन में कहते हैं वही सड़क में कहते हैं, हाथ चौराहे से बाजारों में कहते हैं, तो हम अपने मुद्दों को जनता में बताने का काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लास्ट बार जिस दिन जनता को हमारे मुद्दे समझ में आ गए, वही जनता इनको उठा करके हमें बैठाने का काम करेगी। मोहम्मद इखलाक की तरफ चलते हैं, समाजवादी पार्टी से। गजेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया कि जमीनी हकीकत पर उतरना पड़ेगा, एसी के कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। मोहम्मद इखलाक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए गजेंद्र भाई की बात मैंने सुनी, और बात देखिए बहुत उठती है एसी कमरे और तमाम लोग कहते हैं, तो देखिए आजकल का जो टाइम है, मुझे लगता है कि अगर हम क्षेत्र में जाते हैं या कहीं काम से जाते हैं तब भी हमारे पास एसी रहती है गाड़ी में, हम बैठे हैं अब भी एसी है,
बाहर जाएंगे कहीं बैठेंगे तब भी एसी है। और रही बात देखिए काम करने का, तो लगातार आदरणीय अखिलेश यादव साहब आप देखिए लगातार वो जनता के बीच में रहे हैं, कर्नाटक भी गए, पंजाब भी गए, हर जगह गए हैं। बात आई आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की, तो एक दिन ऐसा नहीं है कि वो जनता के बीच में ना जाएं, जनता के कामों को ना सुने। अभी गोंडा रहे, गोंडा के बाद फिर लगातार वो मैनपुरी गए हैं। तो लगातार जो हमारे नेता हैं, राष्ट्र स्तरीय नेता हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। देखिए बात समझनी होगी, जो एक अभी गजेंद्र जी कह रहे थे कि स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, तो बात सही है। वो इस तरीके से बना दिया, एक डर बना दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो आप सब लोग को खत्म करने का काम करेगी। तो ये जो डर है उसको हम लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं। 17 से और अभी का आज तक का परिणाम देखें तो समाजवादी पार्टी बेहतर लड़ाई लड़ी है और बेहतर रिजल्ट हम लोग के पक्ष में आए हैं। गजेंद्र जी की जो बातें हैं कि बूथ स्तरीय हमें ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है, हम बूथ स्तरीय उन बातों पे ध्यान देंगे। समाजवादी पार्टी कहाँ कमी रहेगी, किन वजहों से कमी रहेगी और क्या क्या वजहें, हम उस पर बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और आने वाले समय में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो उन सभी मुद्दों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे, सदन से लेके सड़क तक लेके जाएंगे। समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। नहीं नहीं, मेरा एक उस पर टिप्पणी थी मेरी, बताइए कि आपने कहा कि भाई एसी से हम जनता के बीच में जाएंगे तो एसी से ही जाएंगे, गाड़ी से। एसी गाड़ियों की बात नहीं हो रही है, सड़क की बात हो रही है। और जब सड़कें जाम हो जाएंगी ना, तो चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, ये दोनों सभाओं में आपकी चर्चा होगी, जनमानस में चर्चा होगी। सड़कों पे उतरना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, इतने आसान नहीं रह गया है आज। और वह आंदोलन के रूप में आएगा, मुलायम सिंह जैसा व्यक्तित्व, एक वैसा चेहरा बनाकर के लड़ना पड़ेगा आपको। आप आज के डेट में जो बात मैंने आपसे कही, ये जनमानस इस बात को कहती है कि अब वो एसी वाले नेता हो चुके हैं। और राजभर जी तो उनके एक तरह से कहा जाए कि स्टेट लेकर के फॉरवर्ड कहने वाले एक ऐसे हैं नेता जिन्होंने अपनी बात अस्पष्टता के साथ रखी है। और जब भी कोई बात ओम प्रकाश जी जैसे रखिएगा तो वह हटा दिया जाएगा, भुला दिया जाएगा। तो देखिए ऐसे लोगों की बात अगर आप नहीं सुनेंगे या सुनना नहीं चाहेंगे तो यह जो आपके सामने परिणाम है, ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा आपको और यह लगातार मिलेगा, ये मिलता ही रहेगा। उसका मूल जो कारण है, आप इस चीज को समझिए कि जब आपके ऊपर ही सारी चीजें निर्भर हैं तो आपके सुझाव देने वाले लोगों की संख्या बड़ी होनी चाहिए। और जब तक आप उस पर धरातल पे कार्य नहीं करेंगे, जनमानस आपकी बात सुनने वाली नहीं है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लें। मोहम्मद इकलाक जी, छोटी सी टिप्पणी लेना चाहेंगे आपसे। देखिए बातें ठीक है गजेंद्र भाई जी ने कही, और बार बार सवाल उठता है, मैं फिर उस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगा कि जितने भी नेता हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, या बीजेपी के हों, या सुहेलदेव समाज के हों, या बीएसपी के हों, सब लोग जाते हैं गाड़ी में तो एसी का प्रयोग करते हैं। हमारे नेता ठीक बात है कि जनता के बीच में रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। मगर ठीक है, अगर जनता को अभी गजेंद्र जी ने भी कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया तो केवल समाजवादी पार्टी ने काम किया है, तो बात से सहमत हैं हम। अपने कामों को, हम अपनी विचारधारा को सड़क पे उतर के जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाला परिणाम जो होगा वो समाजवादियों का होगा। गजेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारी बात को अब भी ये अपने जनमानस तक ठीक से पहुंचाना नहीं चाहते। अब उस चीज को इन्होंने गोलमोल कर दिया। मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए आपको लोहिया जैसा नेतृत्व, लोहिया को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वैसा धरातल पे कार्य करना पड़ेगा। सड़कें जाम आपको करनी पड़ेगी मुद्दों पर, और वह काम समाजवादी पार्टी ही कर सकती है उत्तर प्रदेश में, दूसरे के पास स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर आप सड़क पे उतरने से डर रहे हैं, आपने कहा डर, अगर सड़क पे उतरने से डर रहे हैं, लाठियां खाने से डर रहे हैं, तो सत्ता की सुख या सत्ता में आने का जो आपका ख्वाब है भूल जाइए। मुलायम सिंह ने कभी लाठी खाने से डरे नहीं, शिवपाल सिंह लाठी खाने से कभी भी डरे नहीं। और ऐसे लोग, ऐसा नेतृत्व था आपके पास में जो जनमानस तक खबरें
आग के जैसे फैलती थी, वह रूप लेकर के पुनः आपको धरातल पे उतरना पड़ेगा। और यदि आप उतरते नहीं हैं तो यह मान लीजिए कि अब वह दिल्ली दूर है। आगे चलते हैं बीजेपी की तरफ। विवेक जी, क्या लगता है कि 27 साल बाद स्वार विधानसभा सीट पर गठबंधन में आपकी जीत हुई है, और 2024 को लेकर बात करें तो ये जीत कहां से कहां तक दिखाई दे रही है आपको? तो आप सभी पैनलिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की बहुत कमी है। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार प्राइम टीवी आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। भाजपा की लगातार बढ़त हो रही है। 17 नगर निगम चुनाव में भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है, और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो शून्य पर है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो भी शून्य पर है। कांग्रेस भी शून्य पर है। लगातार बीजेपी अपनी बढ़त की ओर बढ़ रही है। वहीं नगर पालिका 199 सीटों पर बात करें तो भाजपा 93 सीट पर है, आगे बढ़ रही है। वहीं सपा 32 पे है। तो लगातार निकाय चुनाव की पल पल अपडेट हम आपको दे रहे हैं प्राइम टीवी की तरफ से। भाजपा जो है नगर निगम में 17 सीटों पर लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।